हेलो गाइस, कैसे हैं सारे सारे? होपफुली सब बहुत बढ़िया होगी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जस्ट मैं भी अपने आया हुआ हूँ गाँव। कल देख लिया होगा अपनी लास्ट वाली वीडियो में, बहुत सारा सारा कौन है। बस आज आया ही हूँ, कल आया ही था, आज जा ही रहा हूँ वापस। तो बस ये थोड़ा सा हुई था, वही मम्मी का पापा ये प्रॉब्लम वगैरह चल रहा था, तो उसे यहीं पर चाची को लेने के लिए आया हुआ था। तो बस आज ही कल है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का, मैं अपने गाँव का रूम मतलब विलेज टूर दे देता हूँ साथ साथ, और दिखा देता हूँ कैसा क्या है। फिर वापस 12 बजे रिटर्न हो जाना है घर के लिए। फिर यहाँ से मतलब 2 बजे से वापस मेरी टिकट है, वहाँ से वापस बैक टू होम, वापस दिल्ली। कल आया 1000 किलोमीटर, फिर आज जा रहा हूँ 1000 किलोमीटर। 3 दिन के अंदर 2000 किलोमीटर कवर कर लिया मैंने। क्या मैं दिखाता हूँ अपना गाँव मेरा कैसा है। एक धूप भी इतना मस्त आ रही है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल फेस पे ही आ रही है मजा मस्त, एकदम सनलाइट एकदम परफेक्ट आ रही है, एकदम बिल्कुल आपसे कॉन्ट्रैक्ट अच्छी एकदम क्लियर आ रहा हूँ, चमक रहा हूँ अभी गाँव में आके। तो ये गाइस ये देख लो, ये है मेरा पुराना वाला घर। मतलब जैसे दो घर है यहाँ पे जो अभी मैं खड़ा हूँ, और एक और ये पुराना वाला घर मेरा। ये जैसे मेरे दादा थे, वो चार भाई थे, तो वो पहले चारों भाई इसमें रहा करते थे। फिर जो हमारी फैमिली थी थोड़ी सी बड़ी थी, तो ये हमने अपना अलग घर बना लिया। और एक और दादा है, इनका ये वाला घर है एक ही है। और यहाँ पे ये है हमारा मतलब बाइक वाइक रखने की जगह। ट्रक अभी गया, ट्रक कह रहा हूँ, ट्रैक्टर अभी गया हुआ है यहाँ से मेरा गाय वाय का। और एक घर तो मैंने दिखा दिया आपको, एक घर ये है, एक घर ये है। ये यहाँ से एंट्रेंस से मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको। और थोड़े से खेती है हमारे यहाँ पे इधर है। और यहाँ पे गांव में आने के बाद है ना, एक सबसे बढ़िया क्या होती है, सबसे हवा बहुत साफ होती है यहाँ पे। बिल्कुल ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही होगी हल्की फुल्की, यही चलता रहता है। ये थोड़े हमारे बगल में खेत है, ये हमारा गाय है, गाय का तबेला है। सुबह से उठते ही मेरे को उठा के पकड़ा दिया, चाय चाय पी रहा हूँ मैं बस। और ये भी हमारा खेत है, पता नहीं क्या है इसमें, कुछ फल वल सॉरी सब्जी वगैरह कुछ बो रखी है। दो फ्लोर का बना रहे थे ना अपन, एक नीचे फ्लोर बना हुआ है, दिखाता हूँ अभी, और ये ऊपर का है। जैसे कि बता था, एक ट्रैक्टर भी है, पापा लिया है ट्रैक्टर, मतलब बड़े पापा यहीं अभी। अपने वहाँ ताऊ जी बोलते हैं, मतलब अपने हरियाणा में ताऊ जी बोलते हैं, यहाँ पे बड़े पापा कह लो कुछ भी कह लो। मैं जैसे अपना छत, ये अभी यहाँ से रूम वूम अभी अभी काम चल रहा है, अभी कम्प्लीट हुआ नहीं, अभी करेंगे। थोड़ा कुछ सिचुएशन खराब हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा इसको रोक कर रखा हुआ है, बस अब कुछ दिनों में भी बन जाएगा। और ये एक रूम, ऐसे ही रूम रूम नीचे बने हुए हैं। ये हल्का छोटा सा बीच में हॉल, मतलब ये भी रूम है। ये हमारा यहाँ पे किचन, किचन ये है। ये ऐसे यहाँ पे खाना भी, तो खाना वाना बन नहीं रहा है। एक बार यहाँ से वो व्यू दिखा दूँ, ये देखो क्या मस्त व्यू आ रही, देख रहा हूँ। बढ़िया है भाई साहब, जो वाइब्स आती है ना गाँव में, बहुत मस्त ओपी आती है, ओपी वाइब्स। दिखाता हूँ आपको नीचे से, ये है एंट्रेंस, यहाँ से अंदर से जाते हैं, यहाँ से अंदर भी दिखाता हूँ। ये आपको मैंने दिखाई दिया, ये क्या है, यहाँ पे ट्रक वगैरह खड़े रहते, ट्रैक्टर सॉरी ट्रक आ रहे बार बार। ये हमारा पुराना वाला घर, ये है अपना स्टार्टिंग, ऐसे ऐसे दिखता है। ये सबसे हमारा गेस्ट रूम है, मेरे दादा की फोटो। ये है हमारा गेस्ट रूम, थोड़ा सा बिखरा हुआ है अभी, तो कोई बात नहीं। ऐसे ही मतलब ऐसे ही इतने बड़े बड़े ही रूम है सारे, मिल ही गया, ये गेस्ट रूम में ही है। जैसे मान लो मेरे, मैं भी जैसे एक तरह से गेस्ट ही हूँ यहाँ पे आता हूँ, तो वैसे है मेरा भी एक रूम है पर्टिकुलरली। पर यह है कि मैंने जैसे आपको है ना, सभी सभी रूमों के अंदर अंदर जाकर नहीं दिखा सकता, थोड़ी सी प्राइवेसी है। और थोड़ा सा क्या नाम है कि मतलब घर वाले भी ऑफेंड हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो मैं बाहर बाहर से दिखाता हूँ। ये रूम है, अंदर जाके मेरे ख्याल से शायद 9 या 10 रूम और है अंदर, और बीच में हॉल है, मैं भी दिखाता हूँ अभी कैसा। उसके बाद ये है एंट्रेंस, ये हमारा ड्राइंग रूम, एक रूम ये रहा, एक रूम ये, एक रूम है, ये हमारा हॉल, बीच में थोड़ा मैसी हो रखा है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे थे ये कल। ये एक सोफा, एक ये रूम है, ये रूम है, ये रूम है, और ये रूम है, और ये देख लो, ये तो पता ही है ऐसे करके सॉलिड पानी। अपने वहाँ तो मोटर होता है, यहाँ पे चलता नहीं है। ये रूम के रूम, ये छत, यहाँ से छत जाने का यहाँ से रास्ता। और एक स्पेशल वो है बाबा वाला रूम, मतलब पूजा पूजा वगैरह करने का। अभी चाचा के साथ जा रहा हूँ खेत देखने के लिए, पूरा ही है। हाँ पूरा वहाँ तक अपना है, वो कोना तक, वो जो सेमर है ना उस पर एक चिड़िया बैठा है, देख कितना बड़ा। मुना चाचा का है सबसे उधर वाला। हाँ इधर वाला धीरज चाचा का है, इधर वाला अपना है, उधर वाला बबलू चाचा का है, मतलब ये सारे अपने ही है। हाँ वहाँ तक अपना है तक। वो गेहूँ जहाँ रुपये उस प्लॉट में गेहूँ है, 4-3 बीघा है, वो जो खाली खाली है बीच में। हाँ जी हमारे देखो खेत, खेत में खाई खाई नहीं ये कुछ बाहर से ऐसा सीन, ऐसे दिखता है हमारा घर के बाहर से। ये तो दिखाई दिया, ये भी थोड़ा ऊपर से ये और थोड़ा कंप्लीट हो जाए ना और अच्छा लगे। ये पुराना घर तो दिखाई दिया आपको, थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ से और अंदर।
ये है। पुराने वाले घर में अभी थोड़ी काम वगैरह चल रहा है तो उसको वो बंद है, तो पुराना वाला घर अभी मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया। थोड़ा सा जल्दी भी है, लेट हो रहा हूँ क्योंकि ट्रेन भी है। अब जाऊंगा नहाने के लिए, फिर थोड़ा सा खाना वाना खाऊंगा और थोड़ा सा पैक करके, वैसे पैकिंग हमारी हो गई है डन, पैकिंग डन हो गई है। उसके बाद अब जा रहा हूँ नहाने के लिए, और क्या नाम है, मैं जो कपड़े पहन के आया था वही पहन रहा हूँ, बस ये मत सोच। और ये धुल चुके हैं, देख लो, धुले हुए हैं, धुल के प्रेस करे हुए हैं। ये मत सोचना कि मैं ऐसे लेके गया और यही पहन के आ गया। अब जा रहा हूँ रेडी होने के लिए, फिर नहाऊंगा वहाऊंगा फिर निकलूंगा। भाई चाचा चाचा सच चाचा जाएंगे छोड़ने के लिए, तो बस जा रहा हूँ। आंटी वंटी का भी पैकिंग वगैरह हो गई, मेरी पैकिंग कंप्लीट। कल की थकान खत्म नहीं हुई, आज की कौन नई थकान शुरू हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया जो होता है, चले मम्मी के लिए तो जरूरी है, वहाँ देख रहा है। रेडी होकर निकल रहे हैं, ये रही सारी फैमिली वेट कर रही है, चाची वहाँ तैयार। बना के रेलवे स्टेशन, अब बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आधे घंटे पहले आ चुका हूँ, अब बस आएगी थोड़ी देर में, उसके बाद बैठ के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अपन आ गए अपने सीट पे, मैं आता हूँ भाई आराम से, लेट ही जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ बहुत। जा रहा हूँ थोड़ी देर के छोटी सी नैप लेने के लिए, मिलता हूँ नैप के बाद। दिल्ली रेलवे स्टेशन, मेरे बाल को इग्नोर करना। अब यहाँ से करूँ कैब, कैब से वापस घर। बहुत सॉलिड है भाई, थकान हो गई है। 3 दिन के अंदर मैंने 2000 किलोमीटर सर्वाइव कर लिया है। नाउ इट्स बैक टू होम, अभी घर आ चुका हूँ। जस्ट अभी आया था 10 मिनट पहले, चाय बनवाया है, थोड़ा ऊपर है, मैं व्लॉग की एंडिंग कर दूँ। बहुत सॉलिड थक गया हूँ बिल्कुल, हालत एकदम पंचर। अब बस अब बहुत मतलब कम से कम 10-15 घंटे की नींद चाहिए बस फिर उसके बाद सोऊंगा। चलो यहाँ तक, जहाँ तक जिसने वीडियो देखी, लाइक का बटन दबाना, नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।